welcome to Housing News. I'm Sneha Sharon, your host for the day, and today we're going to talk about the Noida real estate market. Now, this micro market enjoys immense attention from stakeholders, end users and home buyers because of the affordable properties herein, the whole lot of developments, etc. We are joined by the CMD of Ace Group, Mr. Ajay Choudhary. Welcome to the show, sir. Who's going to give us a few insights about this micro market. So if you're planning to buy or invest in this market, this is just for you. Sir, the first question to you. I wanted to ask you, aisi kaun si teen cheeze hain jo Noida market ko immensely popular banata hai aur maintain karte rahega? तो आम आदमी के बजट में नोएडा में आपको इजीली नोएडा नोएडा एक्सटेंशन गेट नोएडा में घर मिल जाता है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है इंडिया में। सर, यूपी रेरा के बाद आपने होम बायर्स में कुछ चेंज देखा है? नहीं, कुछ डेवलपर्स की वजह से जो होम बायर्स में थोड़ी टेंशन थी, तो यूपी रेरा की वजह से वो थोड़ी दूर हो जाएगी कि आदमी अपने आप को सिक्योर समझेगा कि मैं रेरा में रजिस्टर्ड है तो टाइमली घर मिलेगा उसको और उसका पैसा सिक्योर है और अच्छे लोगों को अगर वो चूज़ करके उनका पुराना बैकग्राउंड देखने के बाद अगर फ्लैट लेगा तो उसके लिए बेटर है। अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मेट्रो कनेक्टिविटी, उसके बारे में वो तो ऑलरेडी मेट्रो ऑलरेडी दो लाइन तो ऑन है। अभी नोएडा से गेटोडा मेट्रो स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट टू मंथ में, तो अभी एयरपोर्ट का भी चल रहा है कि एयरपोर्ट भी शायद जल्दी आ जाएगा। आपको लगता है कि ये जल्दी हाउसिंग डिमांड बन के क्रिएट होगी? अभी डिमांड तो बहुत है, यहाँ पे काफ़ी फ्लैट रेडी हैं, काफ़ी फैमिलियाँ शिफ्ट हो गई हैं, सबसे जल्दी इतना जल्दी नोएडा डेवलप किया है। सर, आपको अपने हिसाब से आप बताइए मुझे, आपके प्रोजेक्ट्स की यूएसपी क्या है? हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एस ग्रुप ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया है, तो इसके अलावा आपकी यूएसपी क्या है? हमारी कंपनी का दो टारगेट है। नंबर वन कि हम लोग टाइमली डिलीवरी दें कस्टमर को, जो कमिटमेंट करें उसे बिफोर दें, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई भी समझौता ना हो। सर, आपने एस ग्रुप को एक्चुअली में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ा बना दिया है, तो आप हमें बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू किन सेक्टर्स में एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे? नहीं, नोएडा और गेट नोएडा दो डिफरेंट एरिया है। आपको अफोर्डेबल में जाना है, आपका बजट कम है तो आपको नोएडा एक्सटेंशन में जाना चाहिए, और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो उसको 150 अभी नया सेक्टर है जो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा प्लान सेक्टर है। अगर नोएडा में भी जो डेवलप सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी थोड़ी इन्वेंट्री है। सर, सेक्टर 150 में आपके भी काफ़ी लॉन्चेस हैं अभी। हमारा 150 में एक प्रोजेक्ट नया हमने लॉन्च किया है इस पार्क में, और एक हम लोगों ने वहाँ पर डिलीवर कर दिया एस गोल शायर। ओके, हम लोग हैंड ओवर दे चुके हैं। आपके हिसाब से सेक्टर 150 आगे का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? अभी फ्यूचर अच्छा है, 150 का कनेक्टिविटी है, हाईवे पे सेक्टर है, मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो है, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, स्कूल, कॉलेज सब नियर बाई हैं, और अभी नई प्लानिंग है, डेंसिटी बहुत कम है, स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर है, दो स्पोर्ट्स सिटी का को मिला के एक सेक्टर बनाया है, दो स्पोर्ट्स सिटी डेवलप हो रही हैं, और सारे अच्छे बड़े ब्रांड वहाँ पे आए हैं, तो वो एक अच्छा सेक्टर बनेगा। सर, आपके ब्रांड के साथ बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी एसोसिएटेड है, वेरी बिग नेम्स लाइक गौरी खान, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, दीपिका पादुकोण, ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद एस ग्रुप इन वन वे और द अदर। सो आई वांटेड टू आस्क यू सर, लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट को आपने अच्छी तरह समझा है। आज जो न्यू बायर्स, यंग बायर्स जो आते हैं विद अ लॉट ऑफ मनी, दे आर लुकिंग एट एन एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल। सो आपने लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट को किस तरह जोड़ा है? अभी जैसे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में दिया अफोर्डेबल हाउसिंग, हम लोगों ने वहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वहाँ पे उसको हम लोगों ने 5-star क्लब दिया है, वो अपनी वहीं पे अपनी कोई भी अपनी बर्थडे पार्टी, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन 400-500 फैमिली का मिलके वहीं पे कर सकता है इन हाउस। पूरा हम लोगों ने लग्जरी स्विमिंग पूल दिया है, आप एक बार अगर वहाँ जाकर देखेंगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। सारे गेम्स, आपका बास्केटबॉल, क्रिकेट, सब एनीथिंग हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिया है। अभी हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है 150 इज लग्जरी सेक्टर जो डेवलप हो रहा है। इंडिया के एवरी बिग नेम जो भी बिग डेवलपर हैं वो सब उस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अभी रेडी किया है गोल्ड शहर, वहाँ पे भी हम लोगों ने पूरा 5-star क्लब बनाया है, सारी गेम्स फैसिलिटी दी है, उसके पास में क्रिकेट स्टेडियम भी है इंटरनेशनल, तो सारी फैसिलिटी नियर बाई है और हमारे प्रोजेक्ट में भी है।
सर इतने सारे जो यंग बायर्स आ रहे हैं आर देयर एनी इनफ नंबर ऑफ डेवलपर्स हु आर केटरिंग टू दिस क्लास ऑफ पीपल सब लोग जो जो जिसने जिस जो भी कमिटमेंट की है वो सब अपने हिसाब से पूरी कर रहे हैं हर डेवलपर की अपने कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट कमिटमेंट है किसी ने कुछ कमिटमेंट किया है किसी ने कुछ कमिटमेंट किया है तो सब अपना काम कर रहे हैं आज अगर नोएडा मार्केट में एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स घर देख रहे हैं तो वो किस बजट रेंज में देख रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट्स में इन इस बजट रेंज में लॉन्चेस हैं अगर अगर आप दूसरे डेवलपर से कंपेयर करोगे तो वो तो मुश्किल है क्योंकि किसी ने क्वालिटी को कितना प्रिपेयर किया है कि किस क्वालिटी को मेंटेन किया है क्या बना रहा है किसी ने कुछ बनाया है तो सेम तो नहीं हो सकता हर किसी का डिफरेंट होगा मेरा कुछ होगा दूसरे का कुछ रेट होगा तो वो तो लेने वाले को ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या क्वालिटी चाहिए और क्या प्रोजेक्ट चाहिए सर आप एस ग्रुप के जर्नी के बारे में हमें बताएं और आपने किस तरह डाइवर्सिफाई किया है और किस प्राइस पॉइंट पे एस ग्रुप हम लोगों ने जब स्टार्ट किया सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारा एस प्लेटिनियम गेटरोना में उसके बाद हम लोगों ने दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए एस एस्पायर और एस सिटी नोएडा एक्सटेंशन में उसके बाद हमने एक लग्जरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एस गोल्फ शायर पार्क नोएडा सेक्टर 150 में हमने चारों प्रोजेक्टों को ऑन डिलीवरी ऑन टाइम डिलीवरी टाइम से पहले हैंड ओवर किया है कस्टमर को ये हमारे टोटल 5400 फ्लैट हैं जो हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं कस्टमर्स को और हमारा एक हम लोग यहाँ पे बॉम्बे से गोदरेज को भी लेके आए नोएडा में हमारा उनके साथ 100 एकड़ का टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं हम लोग विद गोल्फ कोर्स वगैरह गेटरोना में गोल्फ कोर्स के साथ और अभी हमने जो दो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं एक अफोर्डेबल एस डिवाइनो और एक लग्जरी एस पार्क में सेक्टर 150 में अपने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की प्राइस रेंज के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं अफोर्डेबल प्राइस जो रेंज है वो होगी हमारी अराउंडली 50 लाख से स्टार्ट थैंक यू मिस्टर चौधरी फॉर जॉइनिंग अस वेल दैट्स ऑल द टाइम वी हैव ऑन हैंड सो इफ यू आर हंटिंग फॉर क्वालिटी इन नोएडा यू नो वेयर टू गो कीप फॉलोइंग अस एंड लाइकिंग अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड कीप लाइकिंग हाउसिंग न्यूज़